आपका स्वागत है और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं अंशु मलिक फ्रॉम अदानी विल्मार। अंशु जी बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और सबसे पहले सरकार के नोटिफिकेशन पे आपका फर्स्ट रिएक्शन, 20% की इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक इज समथिंग जो इंडस्ट्री मांग ही रही थी, अब आपको लगता है कि एक स्टेबिलिटी और एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर बनेगा? काफी दिनों से द इंडियन ऑयल सीड जो है इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था बिकॉज इंटरनेशनल प्राइसेस वर लोअर और ड्यूटी 5%, तो ऑब्वियसली तेल सस्ता था तो ऑयल सीड्स जो है इसको कीमत नहीं मिल रहा था एंड फार्मर्स बड़े परेशान थे। तो अभी कम से कम जो ड्यूटी हाइक हुआ है इससे जो लोकल ऑयल का जो प्राइसेस है ऊपर आएगा जो आना शुरू हुआ है, और ऑयल सीड का प्राइस यानी सोयाबीन अभी जो नया क्रॉप आएगा 10 दिन के बाद तो उसको कम से कम एक कीमत मिलेगा। एंड मुझे लग रहा है कि आप अगर आत्मनिर्भर के ऊपर बात करते हैं तो इस देश के फार्मर को अगर आप मूल्य कीमत नहीं देंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके लिए फसल उगाए। तो मुझे लगता है ये फर्स्ट स्टेप है। वैसे और भी एक दो स्टेप होना जरूरी है क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज टू इंक्रीज द प्राइस एंड क्रिएट वैल्यू एडिशन, तो MSP के पास आया। लेकिन इतना सीड अभी और आएगा, प्रोसेस कौन करेगा एंड कैसे करेगा? इसमें आपको आइडिया है कि तेल मिलेगा और DOC, तेल तो खप जाएगा देश में बट DOC एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसको हम कहाँ ले जाएंगे? अगर उसका एक कोई एक्सपोर्ट सब्सिडी दे, उसका कोई एक्सपोर्ट का इंसेंटिव दे तो मील भी एक्सपोर्ट होगा, सीड का उत्पादन बढ़ेगा, क्रशिंग ज़्यादा होगा, तेल घर में कंज्यूम होगा, ये सब पूरा साइकिल है, ये पूरा साइकिल करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप जरूर हुआ। ओके, और जो सेकंड क्लियरिफिकेशन अब सरकार की तरफ से आया है जिसमें सभी के सभी एसोसिएशन पार्टी थे कि आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते उस एडिबल ऑयल का जो लोअर इम्पोर्ट ड्यूटी पे इम्पोर्ट हुआ है, तो MRP को लेकर और रिटेल कंज्यूमर्स को मद्देनजर जो सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन है उस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, एक इंडस्ट्री या ये डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ये पूरा बाजार है, होलसेलर्स है, कई लाखों रिटेलर्स है इस देश में, 40 लाख रिटेलर्स है जो तेल बेचते हैं और सबके घर में कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये जो रिटेल से ही पहला खबर है और पहला जो होता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट गवर्नमेंट क्या नहीं चाहता है कि तेल का भाव बढ़े, नहीं तो सीड का भाव कैसे ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये इकोसिस्टम में रिटेलर्स, होलसेलर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, इम्पोर्टर्स है, ट्रेडर्स है, ये सभी लोगों का एक योगदान है और एक काम है, तो धीरे धीरे मार्केट सेटल हो जाएगा। मैं नहीं कहूँगा बढ़ेगा, बट आपने तो ड्यूटी बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं तो ड्यूटी का इम्पैक्ट आएगा। एंड दूसरा, इंटरनेशनल अभी तक समझ नहीं पाया है, अभी 2 ही दिन हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक आध हफ्ते में इंटरनेशनल थोड़ा अलाइन होंगे, कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स अलाइन होंगे, जो ट्रेडर्स है, होलसेलर्स है, क्योंकि काफ़ी माल जो कंपनीज होते हैं इन लोग बेच के रखते हैं, घर में तो कोई रखता नहीं है, तो सबने बेच के रखा है, तो बेच का है तो सब लोग तो पुरानी ड्यूटी में बेचा है, तो ये जो है पूरा साइकिल होगा। बट ये 15 दिन में आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? रेट ऊपर जाएगा तभी तो सीड का भाव ऊपर आएगा। रिटेल की अगर यहाँ पर बात करें, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमने देखा है कि प्राइसेस स्पेशली लास्ट एक साल में प्राइसेस जिस तरह से रहे हैं वो यूज्ड टू हो गए हैं वहां पर रिटेल, स्पेशली हेड ऑफ द फेस्टिवल टाइम। अब आपको लगता है कि जिस तरह से जो ड्यूटी हाइक हुई है उसका इम्पैक्ट MRP के द्वारा हम इसी फेस्टिवल सीजन में, इसी क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में आता हुआ देखेंगे? देखिए, मैन्युफैक्चरर्स का फर्स्ट काम है सप्लाई चेन मेंटेन करना, क्योंकि एक महीने के बाद दशहरा दिवाली का फेस्टिवल है, तो हम समझते हैं कि एज एसोसिएशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन या इंडिविजुअल कंपनी के हिसाब से हम एडिक्वेट इंपोर्ट कर रहे हैं जो पाइपलाइन में है, जो आ रहा है या आएगा, एंड जो हम प्रोसेस करके मार्केट को दे सकते, तो शॉर्टेज का तो मुझे कोई चांस दिखता नहीं है। एक क्योंकि आपने ड्यूटी बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, तो जाहिर है कि ड्यूटी का अभी नया माल में ड्यूटी देना पड़ेगा, एक दिन में इतना ड्यूटी कोई एब्जॉर्ब नहीं होता, तो धीरे धीरे एवरेज आउट होता है, हमेशा यही है कि एक एवरेज आउट होता है एंड देन यू गेट इनटू रियल प्रोडक्ट प्राइसिंग। मुझे लगता है एक महीने तक ये सब सेट हो जाएगा।
पर जो गवर्नमेंट ने अर्ज किया है कि 30 लाख टन एडिबल ऑयल जो लोअर ड्यूटी पे आया था उसके ऊपर एमआरपी हाइक नहीं होना चाहिए, ये कितना इजी है या? मुझे लगता है कहीं पे ये गलत है समझने में या बोलने में, हमारे जो एसोसिएशन है शायद गलती किया है। उन्होंने कहा टोटल ऑयल इन द सिस्टम, यानी देश में जितना मस्टर्ड सीड है, जितना सोयाबीन है, जितना कॉटन सीड है, जितना राइस ब्रैन है, प्लस जो पाइपलाइन में जो तेल है, हम लोग के पाइपलाइन में 60 दिन का तेल होता है, तो ये 60 दिन का तेल, क्योंकि एवरेज खपत जो है इंपोर्ट होता है 15 लाख टन, तो 30 लाख टन जब आप कह रहे हैं, यानी दो महीने का स्टॉक, ये दो महीना तो है नहीं, अभी 10 लाख से तो ऊपर आप रख भी नहीं सकते, तो ये उन्होंने कहा था पूरा आज के हाथ में जो आ रहा है और जो आने वाला है, ये प्लस मस्टर्ड सीड, ऑयल सीड, ग्राउंडनट सीड, ये सबका तेल मिला के इस देश में इतना हो जाएगा जो कि एडिक्वेट है, वो जो हमें लगता है एडिक्वेट है। ये ड्यूटी पेड नहीं है, ये तो आया ही नहीं है, तो ड्यूटी पेड कहाँ से होगा? फेस्टिवल सीजन आ रहा है और फ्रॉम द हाउस ऑफ अडानी विल्मर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह की डिमांड ग्रोथ देखने को मिलेगी और क्या कुछ नए लॉन्चेस हैं? देखिए, एडिबल ऑयल का कंजम्पशन स्टोरी बड़ा रोबस्ट है अभी तक तो, और फर्स्ट 6 महीने में एडिबल ऑयल इंडस्ट्री 5-6% से ग्रो किया, हम लोग थोड़ा ज़्यादा किया है 7-8%। मुझे लग रहा है कि एडिबल ऑयल का कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी रहेगा, इवन इफ ड्यूटी आया है या ड्यूटी का इम्पैक्ट आएगा तो भी रहेगा। उसका कारण है, देखिए फूड इन्फ्लेशन कम हो गया है, तो जो लोगों का आदत था ज़्यादा पैसे से कोई चीज़ खरीदने का, वो आज कम हुआ है, एंड सैलरी बढ़ रहा है, थोड़ा मूड अच्छा है, इकोनॉमी अच्छा है, सेंसेक्स अच्छा है, ओवरऑल SIP कर रहे हैं लोग, तो आप पूरा माहौल में एक पॉजिटिविटी है, और जब पॉजिटिविटी होता है तो कंजम्पशन होता है ज़्यादा, एंड लोग जब खुश होते हैं ज़्यादा खाते हैं, ये फैक्ट है। और इस देश में तो ये हमने देखा है, खुशियों के टाइम हम ज़्यादा सब कुछ बनाते हैं, तो ये फैक्ट है। तो मुझे लगता है कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी विल कंटिन्यू, कंजम्पशन स्टोरी एडिबल ऑयल में विल कंटिन्यू। आपका कंजम्पशन है एडिबल ऑयल को लेकर, वो आप कहाँ जाता हुआ देखते हैं लेट्स से नेक्स्ट 4 or 5 years में? देखिए, इंडिया का एडिबल ऑयल कंजम्पशन 17.5-18 है, ऑयल मैं घी और बटर नहीं ऐड किया, 17.5। अगर आप पाकिस्तान देखेंगे 18-19-20 तक गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश 18.5-19, चाइना 24, तो आप सबका देखेंगे तो हम लोग का 17.5 कम है। अब आप जब देखेंगे कि स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, इनका कंजम्पशन 20-22 का एवरेज है, जो वर्ल्ड एवरेज टाइप, लेकिन UP, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे 12 के करीबन है। तो मुझे लगता है कि ये सब जगह में जब और उन्नति होगा और लोगों को अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा इनकम होगा, इनके 12 किलो अगर 16 किलो 18 किलो तक पहुँचे, तो इस देश का एवरेज आज जो 17.5 है, हमें लग रहा है 19 के तरफ जाना चाहिए। फेस्टिवल सीजन, जैसे आपने कहा कि मूड बहुत अच्छा है, डिमांड ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, तो क्या प्रोडक्ट्स आपके तरीके से, आपके तरफ से आपको लगता है कि यहाँ पर बेहतर करेंगे? देखिए, हम लोग अभी देख रहे हैं कि जितना एजुकेशन बढ़ रहा है, हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, लोगों को फंक्शनल प्रोडक्ट चाहिए, यानी ऑर्गेनिक चाहिए या कोल्ड प्रेस चाहिए या फर्स्ट प्रेस चाहिए। हमने अभी फर्स्ट प्रेस सरसों का तेल निकाला है, कोल्ड प्रेस तो होता ही है सरसों का तेल, लेकिन फर्स्ट प्रेस यानी पहला धार, तो पहली धार जो है हमने ऐसे ही निकाला है। फिर हार्ट फ्रेंडली ऑयल चाहिए, किसी को शुगर फ्रेंडली ऑयल चाहिए, फिटनेस फ्रेंडली चाहिए, लो कैलोरी वाला चाहिए, ये टाइप के लोग अभी आजकल ढूंढते हैं। एंड अभी जो यंग कस्टमर्स है, खास करके जो ई कॉमर्स से खरीदते हैं, इन लोगों का आदत है कि थोड़ा प्रोडक्ट समझ के खरीदना। मुझे लग रहा है कि यंग कंट्री है इंडिया, तो ये सब प्रोडक्ट का डिमांड रहे। एज अडानी विल्मर, बिकॉज फूड प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पर हैं, एग्रीकल्चर में हैं, और जिस तरह से हम पॉलिसी चेंजेस बहुत बार, बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आता हुआ देखते हैं, आप कैसे डील करते हैं उससे? देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज है या स्टेपल्स में है हम लोग, तो गवर्नमेंट का कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन रहता है, ध्यान आप पर ज्यादा रहता है, इसमें हम लोग वी आर यूज टू इट, क्योंकि इस प्रोडक्ट में ही ऐसा खासियत है कि जब कीमत जब नीचे है तो भी परेशान है,
और जब ऊपर है ज़्यादा परेशान है, परेशानी से दूर नहीं है। तो हमें आदत है कि विद इन द एक बाउंड्री में रहना, एक स्टॉक के ऊपर हम लोग हमेशा कंट्रोल रखते, ऊपर स्टॉकिंग नहीं करते, रिस्क मैनेजमेंट हमारा बड़ा स्ट्रांग है और हम लोग गवर्नमेंट के साथ साथ समझ के चलते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड गवर्नमेंट का। जैसा वीट है, अभी वीट में स्टॉक कंट्रोल, हमें मालूम है कि वीट के ऊपर है, तो हम लोग ने भी इस साल बहुत ज़्यादा वीट नहीं खरीदा ना। फिर इस तरह से पैडी के ऊपर भी है, राइस एक्सपोर्ट बैन हुआ, हम लोग भी नहीं किया, तो MEP के ऊपर बासमती राइस का था, तो वी अबाइड बाय द थिंग। मुझे इतना मालूम है कि गवर्नमेंट के तरफ से टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसे आएंगे जब उन लोग को लगेगा कि सिचुएशन इज नॉट गुड, फूड इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट, बट ओवरऑल वी आर यूज टू प्लेइंग द रूल्स ऑफ द गेम और हमें ठीक लगता है। लेकिन कंसिस्टेंसी कोई भी बिजनेस में हो, पॉलिसीज में हो, तो लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी इन्वेस्टमेंट का बात आता है, तो आप अभी हम इन्वेस्ट करेंगे और आप बड़े वेयरहाउस बनाएंगे, फिर रेल से माल ले जाएंगे, तो फिर आपको 20,000 टन 50,000 टन का वेयरहाउस करना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बोला नहीं 2,000 टन ही कर सकते, तो आप कैसे करेंगे? तो पॉलिसीज अगर यूनिफॉर्म हो, फ्यूचरिस्टिक हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस तरह से, और रोज का चेंज होगा तो आदमी इन्वेस्ट करने से डरता है। एज ऑफ नाउ किस तरह का आप अपना मार्केट शेयर देखते हैं, अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें, बाकी फ्रूट प्रोडक्ट्स की बात करें, और क्या कुछ है अब यहाँ से पाइपलाइन में? देखिए, एडिबल ऑयल में 19% है एंड शायद ये ज़्यादा होगा, बढ़ रहा है। वीट फ्लावर में हम लोग 6% है, नंबर 2 ब्रांड है इंडिया में। बासमती राइस में नंबर 3 है, ये तो बरकरार रहेगा। बेसन में अभी तक कोई सेंसस या नहीं हुआ, लेकिन हम लोग नंबर 1 है। नगेट्स में नंबर 2 है, और अभी हमने पोहा निकाला है, पोहा भी हमारा अच्छा चलता है पूरा इंडिया में। तो सभी प्रोडक्ट्स में 1-2-3 के अंदर है। और अब यहाँ से पाइपलाइन में क्या है, क्योंकि अब आप 1-2-3 इतने सारी चीज़ों में हैं, कुछ और ऐड कर रहे हैं पाइपलाइन में? देखिए, हम लोग का इच्छा है स्पाइसेस में एंट्री, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसके ऊपर, रिसर्च एंड स्टडी कर रहे हैं। तो स्पाइसेस एक प्रोडक्ट है जो किचन एसेंशियल में जाता है, और इसके ऊपर फिर वैल्यू एडिशन करना है कि पास्ता हो, नूडल्स हो, या ऐसे ही टाइप के फूड प्रोडक्ट्स हो जो घर में भी खाया जाए या होटल्स या रेस्टोरेंट्स में भी बिकता है, तो हम लोग उसका भी काम करते हैं, क्योंकि होरेका हमारा एक बड़ा बिजनेस है। एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल, और ये 13% कंप्लायंस पर है जिसकी बात हेडलाइंस पे है, उसका एक डेडलाइन है, लिमिट है, कैसे आप उससे कंप्लाई करते हैं? इसी हम लोग 12% हमने डाइल्यूट किया था जब हम पब्लिक ऑफर में आए थे, अभी हमें फरवरी तक और 13% करना है, तो उसका हम लोग रोड शोज कर रहे हैं एंड सूनर और लेटर वी हैव टू गो फॉर MPS, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग करना पड़ेगा बाय लॉ। बाय लॉ, तो वो फेब तक का टाइम है, तब तक करना ही है, बाय February 25। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच अंशु जी साथ हमारे यहाँ पर बात करने के लिए, और सारी एसेंशियल कमोडिटीज पर, कंपनीज पर, और ऑफकोर्स पाइपलाइन में क्या कुछ है इंटरेस्टिंग, उस पर भी चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।